भारत चीन के बीच दूसरी अनौपचारिक वार्ता की शुरुआत, प्राचीन संबंधों को मिली एक नई ऊर्जा, दोनों नेताओं के बीच बातचीत भविष्य में आपसी सहयोग को देगी नया आयाम। दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरे तो पारंपरिक तमिल अंदाज में किया गया उनका स्वागत। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक छटा भी देखने को मिली। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर शिखर वार्ता के बारे में दी जानकारी। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना, कट्टरवाद और आतंकवाद दोनों देशों के लिए एक साथ है चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के दौरान आज सुबह प्रधानमंत्री ने महामल्लपुरम के समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान को और मजबूती देते हुए स्वयं की साफ सफाई। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। रायबरेली में हुए सड़क हादसे में पीड़िता के साथ कार में सवार उसकी दो रिश्तेदार महिलाओं की हुई थी मौत। रामपुर किले के मैदान में सपा प्रत्याशी डॉक्टर तंजीम फातिमा की हिमायत में एक जनसभा का किया गया आयोजन। सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा, आजम खां के विरोध में रामपुर में भुना गया ताना बाना। देश में आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए बड़ी रकम इकट्ठा करने वाले तीन लोगों को उत्तर प्रदेश एसटीएस ने किया गिरफ्तार। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया, पिछले साल टेरर फंडिंग नेटवर्क से जुड़े कुछ लोगों से ये युवक थे संपर्क में। आजमगढ़ में कृषि भवन में आयोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर अंतर्गत आत्मा योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी एवं कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं रबी उत्पादकता गोष्ठी का किया गया शुभारंभ। भारत सरकार ने फर्रुखाबाद वासियों को आज पासपोर्ट कार्यालय का दिया तोहफा। स्थानीय सांसद मुकेश राजपूत के प्रयास से फतेहगढ़ मुख्य डाकघर के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। बरेली के भतपुरा ब्लॉक के लोगों ने श्रमदान कर नदी पुल का किया निर्माण। इस नदी के आसपास लगभग 60 से 70 गांव हैं जिनका संपर्क नदी के कारण एक दूसरे से टूटा हुआ था। गांव के लोग एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। बदायूं में बिजली विभाग ने एक अनोखी स्कीम शुरू की है जिसमें बिजली चोरी की सूचना देने वाले को दिया जाएगा इनाम। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान गुप्त रखी जाएगी, इससे बिजली चोरी रोकने में मिलेगी मदद। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण अंचलों में कुश्ती दंगल किए जा रहे हैं आयोजित और सिखाए जा रहे हैं कुश्ती के गुर। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषक जागरूकता तथा कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जनपद स्तरीय रवि उत्पादन गोष्ठी में। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार की दिखाई राह। छोटे उद्यमी ही नहीं बल्कि महिलाएं भी योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ी हैं। जिले में मुद्रा योजना के तहत 654 लोगों ने अपने सपनों को लंबी उड़ान दी तो साथ ही दूसरों को भी स्वरोजगार उपलब्ध कराया। ठंड के एहसास के साथ ही प्रदेश से कल मानसून की हुई विदाई। देश से रुखसती में भले कुछ वक्त लगा हो मगर इस बार पूरे चौमासे उसके रुख में भेदभाव दिखा। प्रदेश के बुंदेलखंड पर बादलों की कुछ हद तक कृपा गरजती बरसती नजर आई।